हेलो, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? हैं, हेलो, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? कौन बात कर रहा है? अरे, एक कमसिन लड़की तुमसे मिलना चाहती है, हसीन जवान। और क्या चाहती हो, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? कौन बात कर रहा है मैडम, नाम तो बताइए। जो भी हूँ मैं, 6 साल पहले मिले थे। इतने लड़कियों से मिलते रहते हो, याद भी नहीं रहूंगी आपको। मिलोगे कि नहीं मिलोगे बोलो। अरे मैम, एक मिनट रुकिए, तो 6 साल पहले मिले थे, नाम भी तो होता है कि मतलब ऐसे ही कॉल लगाते ही मिलोगे मिलोगे। नाम से क्या होगा, नाम में क्या रखा है? मिलना है तो बोलो ना। कहाँ से बात कर रही हैं आप? फोन से। अरे यार, मतलब कौन बात कर रहा है 6 साल पहले? कई लड़कियां दोस्त, वो तो देखते ही पता चल जाएगा। मिलो ना प्लीज। ठीक है, मिल लेंगे। मतलब कहाँ मिलना है? एक मिनट रुकिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ज्यादा मत सोचिए। मैं शादी शुदा हूँ। ओके, अरे मैं मिलना चाहती हूँ, शादी से इसका क्या संपर्क है? हाँ मतलब ये भी बात सही, बट एक बात मैं कहने देना चाहती हूँ जी। एक बार मिल चुके हैं ना? हाँ, तो दोबारा नहीं होगा। अरे क्या सोच रही है, क्या नहीं होगा भाई? एक बार मिल चुके हैं तो दोबारा नहीं होगा। अरे भाई क्या नहीं होगा, मेरा पहले भी कुछ नहीं हुआ है, मेरा जो हुआ है शादी के बाद हुआ है, और कुछ भी। अरे आप इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? आप इतना डेस्परेट हो रहे हैं मुझसे मिलने के लिए? मैं डेस्परेट हो रहा हूँ भाई? आपने कॉल किया, मिलो मिलो आप कह रहे हो, मैं कहाँ डेस्परेट हो रहा हूँ? लेकिन दोबारा नहीं होगा ना? नहीं, एक मिनट, नाम तो आप बता नहीं रहे, और ये क्या नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा? आप मेरे को कितना मतलब, यू आर लाइक डाइंग टू मीट मी। अरे अरे अरे, ओह माय गॉड, दोबारा नहीं होगा यार। ऐसा है, आप दोबारा कॉल मत करिएगा, और जब कॉल करिएगा तो प्लीज आप नाम से बता करके इज्जत से बात। जानू, दोबारा नहीं होगा। हेलो जी, जनगणना विभाग से बात कर रहे थे जी, बताइए योगदान कितना आपका? कहाँ योगदान कितना? शादी हुई है? है? शादी हुई है? शादी हाँ हुई है। बाल बुतरू कुछ? बाल एक बच्चा है जी। दूसरे की प्लानिंग है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे, डायरेक्ट इतना डायरेक्ट? नहीं देखिए, हमको बता, आपका एक हो गया है लेकिन दोबारा नहीं होगा। क्या दोबारा नहीं होगा? क्या नहीं होगा दोबारा, और कैसे नहीं होगा? आप कैसे कह सकते हैं भाई, अभी सरकार का तो क्या कानून आ गया है क्या? जनगणना विभाग से बोल रहे हैं, दोबारा नहीं होगा। मैं समझ गया आप जनगणना विभाग से बात कर रहे हो, और जनगणना विभाग से जब भी कोई बात करता तो इस तरह से बात नहीं करता कि दोबारा नहीं होगा। व्हाट मींस दोबारा नहीं होगा है? मेरी फैमिली है भाई, मैं परिवार बढ़ाना चाहता हूँ, 3 साल बाद मैं करना भी चाहता हूँ। आप कोशिश कर लो लेकिन दोबारा नहीं होगा। तमीज से बात करिए यार, मतलब मैं बहुत सही से बात कर रहा हूँ, क्या दोबारा नहीं होगा? एक बार आपका हो चुका है, दोबारा नहीं होगा। तुम लोग से पहले भी एक कॉल आया था, यही ऐसे ही लड़की कर रही थी, ये क्या चल रही यार? कोरोना हुआ था आपको एक बार? क्या कोरोना हुआ था आपको एक बार? हाँ हुआ था। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि आपके एंटीबॉडी, आपको कोरोना दोबारा नहीं होगा। तुम लोग कौन होते हो यार? और आपने ये भी कहा है कि हम तो वैक्सीन भी नहीं लगवाएंगे आएगी तो। कैसे हम बिल्कुल नहीं लगवाएंगे? मेरी एक मिनट यार, रुक जाओ यार, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। रेड एफएम पे चल रहा है नेशन का वैक्सीनेशन, हम लोगों की जो मिथ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वैक्सीनेशन से लेकर के जनगणना बोलते बोलते वैक्सीनेशन में अटक। तो रेड एफएम पे चल रहा है नेशन का वैक्सीनेशन, एंड हम लोगों के मिथ को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना अगर आपको एक बार हुआ है तो दोबारा नहीं होगा, कोरोना दोबारा भी हो सकता है, ठीक है? अरे भाई, so vaccine is important। मैं बहुत गलत लैंग्वेज, बहुत जल्दी तुम माफी मांग ले रहे हो यार। नाम सुना नहीं कि मुंह पे माफी पड़ी थी कि मतलब बोलते के साथ ही बोल देंगे माफी मांग रहा हूं। ज्यादा जानकारी के लिए रेड एफएम सुनते रहें, क्योंकि नेशन का वैक्सीनेशन में हम आपको सारी डिटेल्स रेड एफएम पे हर दिन सुना रहे हैं, ठीक है ना? 93.5 रेड एफएम। अच्छा सुनिए भाई ना, बोलिए ना, दोबारा नहीं होगा क्या? अरे मतलब तुम रेडियो जॉकी बन जाओ भाई, मजा दे रहा हूँ।